ग्यारह वर्ष और 56 दिन ब्रज में रहे, लेकिन कृष्ण ने चार वस्तुओं का त्याग किया। जब तक ब्रज में रहे तब तक अपने पैरों में पादुका नहीं पहना। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे तब तक अपने सिर के केश नहीं कटाए। जब तक ब्रज में रहे तब तक सोने का मुकुट नहीं पहना, केवल मोर पंख धारण किया। क्योंकि मोर काम त्यागी होता है और भगवान ये दिखाए हैं कि काम त्यागी मुझे इतना पसंद है। भगवान कह रहे हैं कि काम त्यागी मुझे इतना पसंद है कि मैं उसे अपने सिर पर भी लेने को राजी हूं। जोर से बजा दीजिए। क्योंकि भगवान कहते हैं जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी दोहु की रस रह सकहि, रबि रजनी इक ठाम। कभी अहंकार और सूर्य एक साथ नहीं, अंधकार और सूर्य कभी एक साथ नहीं रह सकते। जिस मन में काम बैठा है उसमें राम आए कैसे? काम को निकालो तो राम आएंगे, और राम आ गए तो काम आ ही नहीं सकता। भगवान बताना चाहते हैं कि काम त्याग जो है चरित्रवान मनुष्य का पहला सीढ़ी है, इसलिए जीवन में काम पर विजय प्राप्त करो तो ही तुम जीवन की ऊंचाइयों पर जा सकते हो। जब तक श्री कृष्ण ने ब्रज में रहे तब तक उन्होंने अपने हाथ में तलवार नहीं रखी, धनुष बाण नहीं रखा, केवल और केवल मुरली को रखा। क्योंकि मुरली तो प्रेम का प्रतीक है और काली कमरिया उड़ते थे, ये उनका स्वभाव था। लेकिन अब तो बड़े हो गए थे, उनका मुंडन संस्कार भी हो गया। चौड़ी चोटी भी रखी गई है। शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार 5 वर्ष के बाद हो जाना चाहिए और क्षत्रिय बालक का जनेऊ 10 से 15 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। और कृष्ण तो भी 11 वर्ष के। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, 3 रूप से 3 धागों से हमें मुख्य रूप है। मुख्य रूप से 3 धागों से हमें 3 प्रकार के ऋणों का स्मरण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इन ऋणों से हमें हमको उरड़ हो जाना चाहिए तो उपनयन संस्कार हो। और भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने चले जाएंगे।